स्पेसिफिकली बार बार बोला जाता है ब्लू चिप ब्लू चिप ब्लू चिप, लोग ब्लू चिप की तरफ जाते हैं, तो क्या जरूरी है कि ब्लू चिप शेयर्स ही खरीदें या ऐसी छोटी कंपनियों में शेयर्स अच्छे होते हैं? जी, जब कोई इन्वेस्टर इन्वेस्टिंग शुरू कर रहा है तो मैं कहूंगा कि हाँ ब्लू चिप तक ही सीमित रहना चाहिए। आपका नॉलेज लिमिटेड है, आपका एक्सपीरियंस लिमिटेड है, तो एक तो ना मिड कैप स्मॉल कैप की वोलेटिलिटी आप झेल नहीं पाओगे। वो हो सकता है उस वोलेटिलिटी का आपको फायदा मिले, 100 का 200 हो जाए, लेकिन ना जैसे कसीनो में होता है, हमारा 100 का 200 हो गया तो हम वो जीत के निकल नहीं पाते, हम निकल 0 होके ही पाते हैं। तो आप एक शेयर में अगर रिस्क लेके कमा भी लोगे ना तो आपको वो रिस्क लेने की आदत पड़ जाएगी। और रिस्क अगर कोई ऐसा एडवेंचर स्पोर्ट भी है ना जिसमें डेथ का चांस 1% है और आपको 100 बार करोगे तो आप ऑलमोस्ट 100% की प्रोबेबिलिटी पे पहुंच गए मरने के। तो इन्वेस्टिंग ना गेम ऐसा है जहां, क्योंकि ये मेरे को एक बार नहीं करना है, इन्वेस्टिंग मुझे जिंदगी भर करना है। तो जिंदगी भर अगर मुझे कोई रिस्की चीज करनी है तो मुझे प्रोसेस मेरा ऐसा होना चाहिए जिसमें रिस्क कम से कम हो, वरना वो रिस्क मुझे किसी ना किसी दिन भारी पड़ेगा। तो कभी भी अगर आप ज्यादा रिटर्न के लिए सोचो कि मैं ज्यादा रिस्क ले लेता हूं, एक बार अगर आपको फल गया ना तो वो आपका प्रोसेस परमानेंट हो जाएगा। तो टू स्टार्ट विथ मैं तो यही कहूंगा कि ब्लू चिप्स में रहना चाहिए। और मतलब ये भी एक मिथ है कि ब्लू चिप्स में उतना रिटर्न नहीं मिलता। जैसे ना मैं जब बात करता हूँ कोलगेट की, आपने मेरे 5 फेवरेट स्टॉक्स पूछे, उसमें से एक कोलगेट है। अब जब भी मैं कोलगेट की बात करता हूँ ना तो सबसे पहले आता है उसमें क्या ग्रोथ आएगी, कोलगेट टूथपेस्ट तो सब यूज कर रहे हैं। और ये फैक्ट है कि इंडिया में टूथपेस्ट का पेनिट्रेशन 97% लोग ऑलरेडी यूज करते हैं, पूरी सैचुरेटेड कैटेगरी है। लेकिन इसको अगर हम दूसरे नजरिए से देखें तो इंडिया में आज भी थोड़ा सा ये यूज होना शुरू हुआ है, लेकिन आज से 10 साल पहले हर घर में एक टूथपेस्ट होता था, वो लाल नीली कोलगेट की ट्यूब। अब मैं देखता हूं कि हर किसी के लिए एक स्पेशलाइज्ड टूथपेस्ट होने लगा है, बच्चों के लिए जेल, यंगस्टर्स के लिए वो, अगर आपको सेंसिटिविटी है तो सेंसिटिविटी वाला वाइटनिंग, यंगस्टर्स को कॉलेज वालों को वाइटनिंग चाहिए होता है तो वो वाला, शुगर है तो डायबिटीज वाला। तो टूथपेस्ट में भी प्रीमियमाइजेशन तो अभी शुरू हुआ है। आज से 10 साल पहले कोई माउथ वॉश यूज नहीं करता था, अब माउथ वॉश की कैटेगरी आई। तो कोलगेट और एक्चुअल जैसी कंपनियां जो हर साल इतना कैश जनरेट कर रही हैं, हम अगर ये सोच रहे हैं कि और साबुन नहीं बेच पाएंगे, उनको नहीं बेचना है, वो जो उसका कॉम्पिटिटर है उसको खरीद लेंगे, जो नई कैटेगरी है वो नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर देंगे। लेकिन अगर फ्री कैश फ्लो हो रहा है जनरेट तो ग्रोथ तो आएगी ही आएगी। इनफैक्ट अगर फ्री कैश फ्लो जनरेट हो रहा है तो मेरे को लगता है वो 10 नई चीजें ट्राई करेंगे ना, 4 में फेल भी होंगे, 8 में फेल भी होंगे। अगर मैं 10 ट्राई कर रहा हूं और इतने एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट वाली कंपनियां ट्राई कर रही हैं 10 चीजें, 2 चीजें चल ही जाएंगी, कैसे नहीं चलेगी? वो 2 चीजों से इतनी ग्रोथ आ जाएगी कि आपको ग्रोथ की चिंता नहीं करनी। तो ब्लू चिप्स में ही रहना बेटर है।